हेलो स्टूडेंट्स आई एम पंकज सर योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स आई एम हेयर टू टीच यू द सेकंड चैप्टर ऑफ़ योर इंग्लिश बुक हॉनी शकल हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर आज हम लोग इस कहानी में ये पढ़ेंगे कि डॉग ने कुत्ते ने कैसे अपने मालिक को अपने लिए चुना या पाया आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि मनुष्य जब अस्थाई जीवन जीना शुरू किया तो वह जान, जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया और इस क्रम में सबसे पहले वो जिस जानवर को पालतू बनाया था वह जानवर कुत्ता था सो so, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम यही जानेंगे कि कुत्ते ने यानी डॉग ने कैसे अपने लिए एक नया मास्टर ढूंढा एक नए मास्टर का चयन किया आइए इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं और समझते हैं यू मे नो डेट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड अब जानते हैं कि डॉग और वुल्फ जो हैं वो बहुत एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखे हुए हैं यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन and एंड वाइल्ड एनिमल्स आप लोगों ने यह भी पढ़ा है कि कैसे शताब्दियों पहले मानव समाज ने बहुत सारे जंगली जानवरों को पालतू बनाना पालतू उन्हें अपना बनाना शुरू किया हेयर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल यहाँ जो कहानी है इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे डॉग जो था वो पालतू बना ठीक है देखिए डॉग्स वेयर वंस देअर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे होल्ड टू इन फ्रीडम अंटिल द डॉग वॉज बॉर्न हु वाज इल प्लीज विद द विद दिज वे ऑफ लाइफ पहले जो डॉग्स होते थे वो स्वयं अपना मालिक होते थे और बिल्कुल आज़ाद जीवन जीते थे उसे एक ऐसे डॉग का जन्म हुआ जो अपने इस तरह के जीवन से बड़ा दुखी था ही was सिक एंड टायर्ड of ऑफ about अबाउट हिमसेल्फ़ वह बड़ा ही दुखी था और अपने इस तरह के जीवन से बड़ा ही दुख में था थका हुआ था टायर्ड था लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फाइटेंट ऑफ़ दोज हुई स्ट्रोंगर दैन ही फूड ढूंढने के लिए भोजन ढूंढने के लिए अक्सर अपने से जो ताकतवर जानवर होते थे उनसे वो डरा हुआ होता था इस तरह की जो जिंदगी थी उस डॉग के लिए अच्छी नहीं थी वो स्वयं सोचा कि ये जिंदगी मेरी मेरे लिए अच्छी नहीं है ही थाट इट ओवर एंड डिसाइडेड डैट वो इस पर बहुत ज़्यादा सोचा विचार किया और निर्णय लिया द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू आज टू बिकेम अ सर्वेंट ऑफ वन हुज स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ तब उसने निर्णय लिया कि ऐसे नौकर ऐसे व्यक्ति का नौकर बनना ज़रूरी है जो इस धरती पर सबसे शक्तिशाली हो एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर और वह ऐसे मालिक की तलाश में निकल पड़ा यानी वो सोचा कि हम एक ऐसा अपना मालिक ढूंढें हम ऐसे मालिक का नौकर बन जाएं जो इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हो और उसे ही ढूंढने के लिए वो निकल पड़ा ही वॉकड एंड ही वॉकड एंड ही अ ऑफ़ अ बिग ऑफिज अग वाज एज एज ही वाज हीस कहता है कि वो चलता गया चलता गया और अंत में उसे अपने ही एक संबंधी से उसकी मुलाकात हुई जो एक बहुत बड़ा भेड़िया था और जितना वो ताकतवर था उतना ही ज़्यादा वो भयानक भी था देखने में डरावना भी था वेयर आर यू गोइंग डॉग द व्फ आस्क उस भेड़िया ने पूछा डॉग तुम कहाँ जा रहे हो आई एम लुकिंग फॉर सम वन हुन टू टेक अप सर्विस विथ तब कुत्ते ने जवाब दिया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिसका मैं नौकर बन सकूँ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ क्या भेड़िए तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे पसंद करोगे आई डोंट सी वाई नॉट द वुल्फ सेड

नाक ऊपर उठाया और कुछ सूंघा हाँ। और अपना पैर पटकता हुआ झाड़ियों में रेंगता हुआ जंगल के अंदर भाग गया द डॉग वॉज मॉस्ट सरप्राइज कुत्ते को बड़ा सर्ज हुआ वट्स कम ओवर यू मास्टर वो पूछा कि मालिक आपको क्या हो गया वाट फ्राइटन यू सो वो यह भी पूछा कि आपको कौन सा डर सता रहा है आप क्यों डर गए कुत्ते ने भेड़िए से पूछा कान चूसी देर बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अपू एन मे तो भेड़िए ने जवाब दिया क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम देख नहीं सकते अभी वहाँ से एक भालू निकला वो हम दोनों को खा जाएगा मुझे भी और तुम्हें भी सींग डैट द बीयर वॉज स्ट्रांगर देन वुल्फ द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम भालू को भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर देख कुत्ता जो था वह निर्णय लिया कि अब वह भालू का नौकर बनेगा एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस द बियर टू बी हिज मास्टर वह भालू को अपना मालिक बना लिया और भेड़िए को छोड़ दिया द बियर एग्री टू दिस रेडली भालू जो था इसे स्वर्ष सहर्ष uh, स्वीकार कर लिया एंड सेड और बोला लेटस गो एंड फाइंड अ हार्ड ऑफ काउज चलो हम लोग गायों के झुंड को ढूंढते हैं आई विल किल अ काऊ एंड देन वी कैन बोथ इट आवर फील मैं एक काउ को गाय को मारूंगा और हम दोनों पेट भर खाना खाएंगे दे वॉकड ऑन एंड सुन सो अ हार्ड ऑफ काउज वे लोग आगे बढ़ते गए तुरंत ही उन्होंने Uh, आवाज़ सुने गायों की झुंड की बट जस्ट एज दे वे आर अबाउट टू केम अप टू इट लेकिन इसके पहले कि वो इसके पास आते दे वे आर एस्टॉप बाई य टेरेबल नॉइज वे लोग वहाँ पर एक भयानक आवाज़ सुनकर ठिठक गए कौन ठिठक गए जी कौन रुक गए तो कुत्ता और भालू द काउज वे आर मोइंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन गाय जो थी वो मोइंग द काउ साउंड है यहाँ पे गाय गाय जो बोलती हैं उनके आवाज़ को मॉइंग कहा जाता है यानी रंभा रही थी रंभाना कहा जाता है लाउडली बड़ी जोर से एंड रनिंग इन अ पैनिक और डर से इधर उधर भाग रही थी इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में यानी जो आवाज़ उन लोगों ने सुना उस आवाज़ को सुनकर गाय जो थी सभी दिशाओं में डर कर भाग रही थी उट फ्राम बिहाइंड्री भालू जो था पेड़ के पीछे से देखा एंड टू रनलीपर इ हुआ जंगल में भाग गया क्यों भागा नाउ वाई डिड आई है डॉग वह कुत्ते से बोला कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों इट इज द लैंड रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स यार ये तो शेर है जो जंगल के इस भाग में शासन करता है द लाइन शेर ये कौन है डोंट यू नो ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ तुमको नहीं पता वह इस धरती का सबसे शक्तिशाली जंगली जानवर है वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर तब कुत्ता कहता है अच्छा तब मैं आपको भी अलविदा कहूंगा भालू आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ मुझे तो एक ऐसे मालिक की तलाश है जो इस धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लाइन टू बी हिज मास्टर और वहां से कुत्ता जो था वह बाह के शेर पा, के पास गया और उससे अपना मालिक बनने के लिए कहा द लाइन एग्रीड टू इट शेर जो था सहमत हो गया

सॉरी एन नोवन डेयर टच द डॉग और ऑफ एंड हिम इन एनी वे और यहाँ तक कि कोई कुत्ते को छूने से भी डरता था उसकी कोई बात भी नहीं काट सकता था बट वन डे लेकिन एक दिन की बात है द टू ऑफ देम वेयर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग अपाथ दैट रैन एडमिट बार्स क्लिप्स वेन ऑल सडन द लाइन स्टप वे लोग एक दिन की बात है कि किसी पगडंडी से होके जा रहे थे अचानक शेर जो था रुक गया ही गेव अ ग्रेट रोड वह जोर से गरजा एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंगल और गुस्से में अपने पाँव को जमीन पर पटका विथ हिस्स पाओ सच फोर्स दैट द होल फॉर्म देअर और इतने जोर से पाँव को पटका कि वहाँ एक गड्ढा बन गया देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली और वह बहुत जल्दी पीछे हटने लगा वाट इज इट मास्टर एनीथिंग रॉन्ग कुत्ते ने पूछा कि क्या बात है मालिक कुछ गलत है क्या आस्ट द डॉग सरप्राइज कुत्ता जो था वह सरप्राइज यानी आश्चर्य में पूछा आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे मुझे इधर मनुष्य के आने की सुगंध आ रही है द लाइन सेड शेर ने कहा वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रेवल अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ से भाग जाए अन्यथा हम लोग परेशानी में पड़ पर जाएंगे ओह वेल देन आई विल से गुड बॉय टू यू उसके बाद मैं आपको अलविदा कहूँगा आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ ए स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो एंड ऑफ द डॉग वेन टू ज्वाइन द मैन एंड ये स्टे विथ हिम एंड सर्व हिम फैथफली उसके बाद से कुत्ता जो था वह इंसान के पास गया और इसके साथ रहने लगा और बड़े ही वफादारी से ईमानदारी से उसकी सेवा करने लगा दिस हैपेंड लोंग लॉन्ग एगो यह काफी दिन हो गए बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर तब से कुत्ता जो था वह इंसान का सबसे वफादार नौकर बन गया और उसे दूसरे किसी मालिक की आवश्यकता नहीं पड़ी ठीक है तो इस तरह से डॉग जो था वह अपना मास्टर ढूंढा ओके आइए अब हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे ओके आपकी क्वेश्चन आंसर है वॉकिंग विद द टेक्स्ट का वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर कुत्ते को क्यों एक मालिक की आवश्यकता महसूस हुई द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ गोइंग अबाउट अलोन इन सर्च ऑफ़ फूड एंड ही डिड नॉट फील सेफ सो ही डिसाइडेड टू हैव अ मास्टर कुत्ता जो था अकेले भोजन ढूंढना ढूंढने जाया करता था वह सुरक्षित भी महसूस नहीं करता था इसलिए उसे मालिक की आवश्यकता पड़ी वह एक मालिक को ढूंढना शुरू किया हु ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर वाई डिड ही लीव द मास्टर सबसे पहले वह अपना मालिक किसे चुना और उसे क्यों छोड़ दिया आपका आंसर है द डॉग चूज अ वुल्फ एज हिज मास्टर बट ही फाउंड द वुल्फ एफरेड ऑफ अ बीयर सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वुल्फ सबसे पहले वह एक भेड़िए को अपना मालिक बनाया लेकिन उसने देखा कि वह भालू से डरा हुआ है इसलिए वह भेड़िए को छोड़ दिया हु डिड ही चूज नेक्स्ट उसके बाद उसने किसे चुना नेक्स्ट द डॉग चूज अ बियर एज हिज मास्टर बिकॉज ही वॉज स्ट्रांगर देन वुल्फ उसके बाद उसने भालू को अपना मालिक बनाया क्योंकि वो भेड़िए से कहीं ज़्यादा ताकतवर था वाई डिड ही सर्व द लाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम शेर की वह काफ़ी दिनों तक सेवा क्यों किया द डॉग सर्व द लैन फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कम्प्लेंट अगेंस्ट हिम वह काफ़ी दिनों तक शेर के साथ इसलिए रहा क्योंकि उसे उसे कोई शिकायत नहीं थी सेकेंडली ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर और दूसरी बात कि वह सुरक्षित भी महसूस करता था नो अदर वाइल्ड एनिमल डेयर टू डिसप्लीज हिम दूसरे किसी जानवर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे नाखुश कर सके हु डिड he फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई अंत में वो किसे अपना मालिक चुना और क्यों द डॉग फाइनली चूज अ मैन एज हिज मास्टर इवन द lion वॉज afraid ऑफ मैन सो द डॉग वॉज कन्विंस that मैन वॉज द स्ट्रोंगेस्ट creature ऑन अर्थ अंत में उसने मनुष्य को अपना मालिक चुना क्योंकि उसने देखा कि शेर भी उससे डरा हुआ था यही कारण था कि उस डॉग ने यह समझा कि मनुष्य ही इस धरती पर पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जीव है इसलिए उसे अपना मालिक बनाया उसके बाद इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है अ डॉग एस्ट्रोंगर देन एनिमन एल्स एस्ट्रॉगर एट ऑल अ बुल्फ द बीयर एफ ऑफ मैन हिज ऑन मास्टर अ लाइन ठीक है तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपका दिया हुआ है जो बुक देकर भर लेना है आंसर में यहाँ पे भरा हुआ भी है ओके कंप्लीट कर लीजिएगा आगे आते हैं उसके बाद देखिए इसमें आपको आ, भरना है कलेक्टिव नाउंट बॉक्स से चुनकर जैसे अ डैश ऑफ सिप्स डैश ऑफ फ्लावर्स डैश ऑफ चिक्स डैश ऑफ कैटल डैश ऑफ स्टिक्स डैश ऑफ सिप डैश ऑफ फिश डैश ऑफ वुल्फ्स तो इसमें भराएगा अ फ्लीट ऑफ सिल्प सिप्स अ बंच ऑफ फ्लावर्स अ बोर्ड ऑफ चिक्स अ हार्ड ऑफ कैटल अ बंडल ऑफ स्टिक्स और फोल फ्लॉक ऑफ सिप्स स्कूल ऑफ फिश और पैक ऑफ ओप्स ये होता है समूह कलेक्टिव बताया जाता है यानी फ्लीट ऑफ सिप्स का मतलब हुआ जहाज़ों का समूह बंच ऑफ फ्लावर्स का मतलब हुआ यानि फूलों का क्या माला या उसको हम गुच्छा कह सकते हैं ठीक है इस तरह भर लेना है उसके बाद नाउन में टी वाई और वाई जोड़कर उसे हम लोग बनाते हैं एडजेक्ट एडव ठीक है सॉरी टी वाई और वाई जोड़कर हम लोग इसे नाउन बनाएंगे ये एडजेक्टिव है ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव है बिकॉज ऑनेस्ट इज अ क्वालिफाइंग वर्ड तो इसमें हमें टी वाई या वाई जोड़ के इसे नाउन बना देना है तो ऑनेस्ट से हो जाएगा ऑनेस्टी काइंड kind से काइंडनेस, क्रुअल cruel से क्रेल्टी काम calm से कामनेस सैड sad से सैडनेस एक्टिव से एक्टिविटी क्रिएटिव से क्रिएटिविटी सिंसियर से सिंसियरिटी, चिरफुल cheerful से चिरफुलनेस बिटर bitter से बिटरनेस सेंसेटिव से सेंसेटिविटी, ग्रेट great से ग्रेटनेस ओके कंप्लीट कर लीजिएगा यहाँ तक और इसके बाद आप लोगों को ये दिया गया है वजल जिसे आप लोगों को पूरा करना है इसमें आपको एनिमल्स नेम होंगे जिन एनिमल्स नेम को आपको बना लेना है तो एनिमल्स नेम या वर्ड्स दिए गए हैं वर्ड्स में आपको हॉरिजेंटल वर्ड्स बनाने हैं एक बनेगा हैस्ली रेडी फायर फ्राइटेंडेंट स्ट्रॉन्ग गुड और वर्टिकल में बन जाएगा एंग्री वर्ड्स सरप्राइज फ्री लॉयल और क्वाइट इसमें से आपको घेरा लगा लगा के ऐसे बनाना है ठीक है जैसे मैं आप लोगों को घेरा लगा के बना के बताया हूँ वैसे आप लोगों को क्या कर लेना है बना लेना है ठीक है तो इस तरह से आपका चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा आपको इसको पूरा कर लेना है ठीक दैट्स ऑल